हेलो एवरीवन आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ टर्न बुल्स ब्लू के बारे में ओके सो व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज जेई 2021 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपको रिएक्टेंट्स दे रखे थे और आपसे प्रोडक्ट पूछा था कि प्रोडक्ट क्या बनेगा ठीक है तो प्रोडक्ट आपका बना था टर्न बुल्स ब्लू ये आपका करेक्ट आंसर था आपको फॉर्मूला उसमें याद रख के बताना था ओके okay. क्योंकि आपको प्रोडक्ट वाला पार्ट पूछ लिया है तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे रिएक्टेंट वाला पार्ट पूछ ले सो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सी द रिएक्टेंट्स एज वेल ठीक है तो देखो रिएक्टेंट्स आपके क्या है पोटेशियम फेरी साइनाइड ठीक है यहाँ पे पोटेशियम फेरी साइनाइड हमने यूज़ किया है फेरी साइनाइड मतलब यहाँ पे जो फेरस है सॉरी यहाँ पे जो आयरन का एटम है वो फेरिक आयन है यानी कि प्लस थ्री चार्ज वाला है मैंने आपको बताया था फेरिक मतलब होता है जिस आयरन पे प्लस थ्री चार्ज हो उसे हम फेरिक कहते हैं जिस आयरन पे प्लस टू चार्ज हो उसे हम फेरस कहते हैं राइट सो सी जो आपका पोटेशियम फेरी है उसको जब हम किसी भी फेरस सॉल्ट से रिएक्ट कराते हैं फेरस सॉल्ट ओके नोटिस करो ये मैं फेरस सॉल्ट बोलती हूँ नॉट फेरिक सॉल्ट तो यहाँ पे प्लस टू वाला सॉल्ट होना चाहिए तो किसी भी फेरस सॉल्ट से जब हम रिएक्ट कराते हैं पोटेशियम फ़ेरी को तो हमारा बन जाता है फ़ेरी फेरोसाइनाइड फ़ेरी फ़ेरो साइनाइड ओके तो फ़ेरी फेरोसाइनाइड बनाने के लिए हमें पोटेशियम साइनाइड का फेरी साइनाइड यूज़ करना होता है और एफ एस ओ फोर या फिर किसी भी फ़ेरस सॉल्ट का क्या यूज़ करना होता है हमें फ़ेरस वाला एटम यूज़ करना होता है फेर वाला नहीं ओके okay. सो so, इसके रिएक्ट करने से बनता क्या है हमारा बनता है फेरी फेरोसाइनाइड जिसे हम पढ़ चुके हैं वो होता है टर्न बुल्स ब्लू ओके okay. इनिशियली जब ये फॉर्मेशन होता है ना तो ये जो टर्न बुल्स ब्लू बनता है वो वाइट कलर का होता है वाइट प्रेसिपिटेट होता है वाइट बिकॉज़ ये जो रिएक्शन करवाई जाती है ना वो रिएक्शन इन द एबसेंस ऑफ एयर कराई जाती है और इन द एबसेंस ऑफ एयर जब ये फॉर्मेशन होता है फेरी फेरोसाइनाइड का तो वो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है ओके okay. बट जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है ब्लू कलर में ओके okay. एंड फिर हम उसको कहते हैं टर्न बुल्स ब्लू फिर हम उसे क्या कहते हैं टर्न बुल्स ब्लू कहने लगते हैं तो लेट्स सी द प्रिपरेशन ऑफ प्रूशियन ब्लू एज वेल हमसे टर्न बुल्स ब्लू का प्रिपरेशन पूछा था तो क्यों ना हम एक, एक एक्स्ट्रा प्रिपरेशन भी याद रख लें सो so, दैट हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनली प्रिपेयर हो जाए अपने एग्जाम्स के लिए राइट देखो जो भी टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं ना अक्सर करके उससे रिलेटेड टॉपिक आने के चांसेस बहुत होते हैं वो टॉपिक तो रिपीट नहीं होता बट उससे रिलेटेड टॉपिक्स माइ कम ओके सो प्रिपरेशन ऑफ प्रूशियन ब्लू भी हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नहीं आया है पर हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपके आ जाए सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू देखा ऊपर हमने क्या लिया था पोटेशियम फेरीसाइनाइड लिया था क्योंकि हमें बनाना था फेरी फेरोसाइनाइड यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे हम हमको बनाना है फ़ेरो फेरी साइनाइड उल्टा हमको बनाना है तो हम क्या करेंगे सॉल्ट्स अपने उल्टे ले लेंगे यहाँ पे लेंगे फेरोसाइनाइड और इसके बाद ले लेंगे फेरी का फेरिक का सॉल्ट ठीक है तो यहाँ पे फॉर्मूले में अंतर क्या हो गया यहाँ पे के टू एफ पी सी एन सिक्स का होल थ्राइस आ गया तो ये आपका है पोटेशियम फेरोसाइनाइड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट आपको फेरो लेना है फेरी नहीं लेना है ठीक है और आपको किसी भी फेरिक सॉल्ट को लेना है फेरिक सॉल्ट नॉट फेरस सॉल्ट ठीक है तो यहाँ पे Fe2SO4 का होल थ्राइस हमने ले लिया है जो कि आपका क्या है फेरिक सॉल्ट है और इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपका प्लस थ्री है तो ये दोनों कंबाइन होकर जो साइनाइड बनाते हैं वो बन जाएगा फेरो फेरी साइनाइड ओके तो फेरो फेरी साइनाइड जो कि होता है आपका पुरुषियन ब्लू राइट right? और इसका फॉर्मूला है एफ ई फोर एफ ई सी एन सिक्स का होल थ्राइस ओके okay. ये भी क्या होता है इसको भी हम ऑक्सीजन की एब्सेंस में कराते हैं तो इनिशियली ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है बट वेरी इंपॉर्टेंट इस प्रेसिपिटेट को हम कहते हैं बर्लिन वाइट क्या कहते हैं हम इसे इसे हम कहते हैं बर्लिन वाइट और धीरे धीरे ये क्या होता है जब एयर के कॉन्टैक्ट में आता है तो ये ब्लू कलर का चेंज हो जाता है सिमिलर प्रोसेस है दोनों की प्रिपरेशन लगभग सिमिलर है तो आप इस दोनों को साथ साथ याद कर सकते हो सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे सेशन थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू